डिज़ाइन की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पहला सवाल, द लेसिंग्स आर सब्जेक्टेड टू रजिस्ट ए ट्रांसवर्स शेयर ऑफ। तो ट्रांसवर्स शेयर को हम 2.5% एक्सियल फोर्स के लिए डिज़ाइन करते हैं। ये बेसिकली कोडल प्रोविज़न है 7.6.6.1 में। द लेसिंग शैल बी प्रोपोर्शन टू रजिस्ट ए टोटल ट्रांसफर शेयर वी टी एट एनी पॉइंट इन द मेंबर इक्वल टू एटलीस्ट 2.5% ऑफ द एक्सियल फोर्स इन द मेंबर। तो ट्रांसफर शेयर के लिए जो हम डिज़ाइन करेंगे वो एक्सियल फोर्स का कम से कम 2.5% होना चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। क्वेश्चन टू, ए स्टील बिल्टअप कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स ऑफ 1000 kN। द लेसिंग सिस्टम हैज़ टू बी डिजाइन फॉर रजिस्टिंग ए ट्रांसफर शेयर ऑफ। तो कितने ट्रांसफर शेयर के लिए हमें उसे डिज़ाइन करना पड़ेगा? एक्सियल फोर्स का 2.5%। तो 1000 kN जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका 2.5% निकालेंगे। कम से कम इतना होना चाहिए जो ट्रांसफर शेयर को रजिस्टर करे। तो ये रही कैलकुलेशन। ऊपर तो वही लिखा हुआ है जो कोडल प्रोविजन है, और शेयर फोर्स 2.5% इसका निकल के आएगा 25 kN। तो 25 kN होगा सही आंसर। द डबल लेसिंग सेल बी डिजाइन टू रजिस्ट ट्रांसफर शेयर वी इक्वल टू। अब जो इसमें पी है वो वही है एक्सियल फोर्स। अब देखिए, सिंगल लेसिंग और डबल लेसिंग में कोई फर्क नहीं होता ट्रांसफर शेयर के लिए, सेम डेटा होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ 2.5 था तो यहाँ 5 हो जाएगा, दोनों के लिए सेम रहेगा। फर्क जो है वो इनकी डिज़ाइनिंग में है। सिंगल लेसिंग में ऐसा है जैसे लेफ्ट साइड के दोनों दिख रहे हैं वो एक ही चीज़ है, वो दो अलग अलग फेस से दिख रहा है, और राइट साइड के जो दो हैं वो डबल लेसिंग है। पर जो ट्रांसफर शेयर के लिए कोडल प्रोविजन है वो सेम है दोनों के लिए, एक्सियल फोर्स का 2.5% कम से कम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स इज और आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो पिलर्स, कॉलम्स और स्ट्रट्स, ये सारे ही कंप्रेसिव मेंबर्स होते हैं और इनमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आती है। अब इस वक्त आप स्क्रीन पर इन तीनों चीज़ों को देख रहे हैं। देखिए, सबसे लेफ्ट में है स्ट्रट। अब ये जो स्ट्रट है ये इंक्लाइंड भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे दो इंक्लाइंड दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है जैसे कॉलम होता है। पर जो कॉलम है वो सिर्फ वर्टिकल ही होता है। यही बेसिक डिफरेंस है स्ट्रट और कॉलम में। इसके अलावा जो पिलर होते हैं वो होते कॉलम ही हैं, लेकिन जो पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनमें जो कॉलम लगे होते हैं उन्हें हम जनरली पिलर बोल देते हैं। पिलर जो है वो कॉलम होते हैं जनरली जो हाइट में थोड़े ज़्यादा होते हैं, टेक्निकल भाषा में कहें तो जिनका स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा होता है जनरली, बाकी होते कॉलम ही हैं। बैटन्स प्रोवाइडेड फॉर ए कंप्रेशन मेंबर सेल बी डिजाइन टू कैरी ट्रांसवर्स शेयर इक्वल टू। अब बैटन्स में क्या होता है? तो देखिए, बैटन्स सेल बी डिजाइन टू कैरी द बेंडिंग मूवमेंट्स एंड शेयर फोर्सेज अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसवर्स शेयर फोर्स वी टी इक्वल टू 2.5% ऑफ द टोटल एक्सियल फोर्स ऑन द होल कंप्रेशन मेंबर। डेटा यहाँ पर भी सेम है, यानी ट्रांसवर्स शेयर के को हम जो डिज़ाइन करेंगे वो 2.5% ही करेंगे। पर किसका 2.5%? शेयर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का। जो लेसिंग था वहाँ पे ये था कि हम एक्सियल फोर्स का करेंगे, क्योंकि लेसिंग में एक्सियल फोर्स आता है। लेसिंग्स जो होती हैं उनमें केवल एक्सियल फोर्स आता है, इस चीज़ को समझिए। ये लेसिंग जो लगी होती है इनमें एक्सियल फोर्स आता है, तो एक्सियल फोर्स का ही 2.5% लेते हैं। पर जो बैटन्स होती हैं बैटन्स में शेयर फोर्स आता है, और जहाँ शेयर फोर्स आता है वहाँ पे मूवमेंट भी आता है। तो इसलिए यहाँ पे हम शेयर फोर्स का भी 2.5% लेते हैं और बेंडिंग मोमेंट का भी 2.5% लेते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है लेसिंग में और बैटन में, जब बात ट्रांसफर शेयर की हो। इफ़ द लेंथ ऑफ ए कॉलम इज लेस देन 8 times इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन देन द कॉलम इज सेट टू बी। तो देखिए, वैसे तो जनरली जो डेटा है वो 12 है, जिससे कम पे ये शॉर्ट हो जाता है, जिससे ज़्यादा पे ये लॉन्ग हो जाता है। पर जैसा ये किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है तो मैंने एज इट इज़ लिख लिया यहाँ पे। तो 8 times भी लिखा हुआ है तब भी आंसर शॉर्ट कॉलम ही होगा, हालांकि 12 इसका सही आंसर है। तो अब ये जो 12 नंबर है जिससे कम में शॉर्ट और जिससे ज़्यादा में लॉन्ग हो जाता है, वो एक्चुअली लीस्ट लेटरल डायमेंशन के हिसाब से है, जब हम इफेक्टिव लेंथ को लीस्ट लेटरल डायमेंशन से डिवाइड करते हैं। जैसे ये कोई कॉलम है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है नीचे, ये ऐसा समझ लीजिए हल्का फुल्का। तो ये वाला, ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है नीचे, इसमें भी लीस्ट वाला जो सबसे कम होगा, तो इसको रखेंगे इफेक्टिव लेंथ के डिवाइड में। तो अगर तो ये 12 से कम है तो शॉर्ट होगा, पर अगर 3 से भी कम आ रहा है तो तब शॉर्ट नहीं कहेंगे, तब पेडेस्टल कहेंगे, यानी फिर बहुत ही छोटा हो गया वो, फिर पेडेस्टल फुट जैसा हो गया, फिर जैसा हमारा पैर होता है। तो अब पेडेस्टल के लिए कंडीशन क्या है कि 3 times से भी कम हो। जैसे मान लेते हैं ये 100 cm है, इसी में समझ लीजिए ये 100 cm है जो थोड़ा डार्क हो रखा है, तो ये वाला जो है हाइट इसकी इफेक्टिव लेंथ वो 300 cm या उससे कम हो, 3 गुने से कम हो, तो बहुत छोटा हो जाता है, फिर तो उस केस में वो पेडेस्टल कहलाता है। इसी तरह से अगर 12 से ज़्यादा है तो लॉन्ग कहलाएगा, लेकिन कब तक? जब तक 60 है। 60 से ज़्यादा होगा तो उसको हम अलाउ ही नहीं करेंगे। 60 से ज़्यादा होने का मतलब है कॉलम बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इससे ज़्यादा लेंथ हम उसमें अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। पर ये सारा डेटा लीस्ट लेटरल डायमेंशन के हिसाब से है। यहीं पे अगर रेडियस ऑफ जायरेशन होता डिवाइड में, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम होता, तो फिर ये वैल्यू बढ़ जाती है, तब अलग डेटा आता है। ए चैनल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, चैनल सेक्शन में एक वेब होता है और 2 flange होते हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा गया है, ठीक है। इस तरह से ये इसका वेब हो गया और ये ऊपर और नीचे इसके फ्लैंज हो गए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर हुज बोथ एंड्स आर फिक्स्ड इन पोजीशन ओनली इज। तो ये सवाल आसान भाषा में पूछा गया है कि दोनों एंड इसके फिक्स होंगे तो क्या करेंगे। तो बोथ एंड फिक्स्ड वाला जो केस है उसमें थ्योरेटिकल जब हम देखते हैं इफेक्टिव लेंथ तो वो 0.5 हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है, जो हम सोम में भी पढ़ते हैं। पर आरसीसी और स्टील में हम डिज़ाइन वैल्यू लेते हैं, तो यही वैल्यू 0.65 होती है
0.65 जब दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल और डिज़ाइन, अब इसका पता कैसे चलेगा, तो थ्योरेटिकल और डिज़ाइन के लिए आपको ऑप्शन ही बता देंगे। जैसे यहाँ पे 0.5 नहीं है, इसका मतलब वो आपसे डिज़ाइन वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। बाकी अगर दोनों चीज़ें हों तो फिर क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, उसमें मटेरियल का टाइप दे रखा है या नहीं दे रखा है, उससे हम डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं सवाल को कि ये थ्योरेटिकल वाला पूछ रहा है या डिज़ाइन वाला पूछ रहा है। तो यहाँ पे 0.6 हो जाएगा। इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड्स एंड रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन एट वन एंड। तो अब एक तरफ से फिक्स है और एक तरफ से हिंज कर रखा है उसको, तो ये कौन सा वाला केस हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड वाला, एक तरफ से फिक्स, ये वाला फिक्स और एक तरफ से हिंज कर रखा है। तो ये हम 0.7 लेते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू, बट यहाँ पे हम डिज़ाइन लेंगे स्टील में तो 0.8 होगा, जो कि ऑप्शन में डायरेक्ट नहीं है लेकिन नियरेस्ट ऑप्शन ले लेंगे 0.85। एज पर IS 800 द मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट इन कंप्रेशन मेंबर ऑफ थिकनेस टी इज लेसर ऑफ। तो ये हम रिवेट में पढ़ चुके हैं, टेंशन के लिए कितना होगा, कंप्रेशन के लिए कितना होगा, टैकिंग रिवेट के लिए कितना होगा, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। सबसे पहले आपको यही पेज मैंने रिवेट में दिखाया था, फिर क्योंकि टेंशन मेंबर वाला जो था वो टेंशन मेंबर में कॉमन था तो वहाँ पे भी यही चीज़ आई थी फिर से, और अब यहाँ पे अगेन कंप्रेशन मेंबर में आ रही है वही चीज़, ठीक है। तो ये कॉमन पार्ट है इसलिए यहाँ पे दोबारा सवाल आ रहा है। तो कंप्रेशन का 12T और 200 mm है, टेंशन का 16T और 200 mm है, टैकिंग रिवेट का 32T और 300 mm है, और जब एक इसका स्पेशल कंडीशन हो एक्सपोज टू वेदर वाला तब ये 16T और 200 mm होगा। बस यही चार चीज़ें पूछी जाती हैं यहाँ से। तो ये कंप्रेशन का है तो 12T और 200 mm हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू IS 800 वट इज़ द अलाउबल इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर ए मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड्स एंड इम्पोज लोड्स। तो ये एक टेबल है जो मैंने आपको टेंशन मेंबर में भी दिखाई थी और कहा था कि यहाँ पर ये जो 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं इधर की तरफ से, इनमें 3 जो है वो टेंशन मेंबर का है और 3 कंप्रेशन मेंबर का डेटा है। तो ये जो सवाल है ये पहला ही सवाल है कि कंप्रेशन मेंबर है और लोड जो है वो डेड लोड और इम्पोज लोड है, उस केस में मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो 180 होना चाहिए। और ये वाला जो स्लेंडरनेस रेशियो है ये एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम वाला है, इसीलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे। एक सेकेंड, जो यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो है वो एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम वाला है, इसमें जनरली वैल्यू ज़्यादा आती है क्योंकि आर मिनिमम जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो कम होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये पहला वाला पूछा गया यहाँ पे, 180 इसका सही आंसर होगा। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए स्टील कॉलम विद रिस्ट्रेंट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एट बोथ द एंड्स इज पी टाइम्स द फिजिकल लेंथ एल वेयर पी इज। अब यहाँ पे बात बोथ एंड फिक्स्ड की ही कर रहा है, पर वही टेक्निकल लैंग्वेज है जो जनरली कोड में होती है, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले जहाँ पे लिखा हुआ था कि बोथ एंड फिक्स्ड है, तो 0.65 इसका सही आंसर है। द स्लेंडरनेस रेशियो हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस। तो स्लेंडरनेस रेशियो की कोई डायमेंशन नहीं होती है, एल इफेक्टिव भी एक डिस्टेंस है, मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा या mm में होगा, जो भी ले लो, आर मिनिमम भी उसी में होगा या लीस्ट लेटरल डायमेंशन भी उसी में होगा, सो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ए कॉलम स्प्लाइस इज यूज टू इंक्रीज, कॉलम स्प्लाइस कॉलम की लेंथ बढ़ाने के लिए, जैसे टेंशन स्प्लाइस था दो मेंबर्स की लेंथ बढ़ाने के लिए। तो ये दो कॉलम हैं अलग अलग और इनको जोड़ रहा है एक प्लेट जिसको हम कॉलम स्प्लाइस बोलते हैं, ये इधर से भी लगी हो सकती है, बाहर से भी, दोनों एंड से, तीनों एंड से, कहीं से भी। इन डबल लेसिंग द थिकनेस टी ऑफ फ्लैट लेसिंग इज। तो अब देखिए ये कोडल प्रोविजन है सिंगल लेसिंग और डबल लेसिंग के लिए, 7.6.3 थिकनेस ऑफ लेसिंग बार्स, द थिकनेस ऑफ फ्लैट लेसिंग बार्स शैल नॉट बी लेस देन 1/40th ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ फॉर सिंगल लेसिंग एंड 1/60th ऑफ द इफेक्टिव लेंथ फॉर डबल लेसिंग। डबल लेसिंग के केस में 1/60th ऑफ इफेक्टिव लेंथ और सिंगल लेसिंग में 1/40th, इससे कम नहीं होनी चाहिए लेसिंग बार्स की थिकनेस। तो डबल लेसिंग का केस है तो 1/60th होगा, शुड नॉट बी लेस देन होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है कि क्वेश्चन तो ठीक है पर ऑप्शन में यहाँ पे होना चाहिए शुड नॉट बी लेस देन, यहाँ पे टी शुड नॉट बी लेस देन 1/60th लेंथ बिटवीन इनर एंड रिवेट्स। तो ये जो इनर एंड रिवेट्स है यही इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है, इनर एंड पे जो रिवेट लगी हुई है उनके बीच की डिस्टेंस, तो यही इफेक्टिव लेंथ होती है लेसिंग्स में। तो डबल लेसिंग के लिए 1/60th और सिंगल लेसिंग के लिए 1/40th। द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन डिपेंड्स मेनली अपॉन, परमिसिबल स्ट्रेस एक्सियल कंप्रेशन में कितना स्ट्रेस परमिट करेंगे हम, तो वो इफेक्टिव लेंथ और रेडियस ऑफ जायरेशन इन पर डिपेंड करता है, पर ये स्लेंडरनेस रेशियो का ही हिस्सा है, बल्कि हम स्लेंडरनेस रेशियो टर्म ही इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट कर पाएँ। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, इंपॉर्टेंट ना होती तो फिर वो इजाद ही क्यों की होती हमने, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो पर डिपेंड करता है मेनली कितना स्ट्रेस अलाउ करेंगे। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंप्रेशन मेंबर इज, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, या तो इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस, लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगा, या इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होगा, तो कोई नहीं है, ऑप्शन सी में भी उल्टा लिखा हुआ है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे बस, ठीक है, केवल मालूम होना चाहिए। द कनेक्शन ऑफ वन बीम टू अनदर बीम बाई मीन्स ऑफ एन एंगल एट द बॉटम एंड एन एंगल एट द टॉप इज नोन एज। तो इसको बोलते हैं सीटेड कनेक्शन, कि एक बीम को दूसरी बीम से जोड़ रहे हैं, ये ब्लू वाली जो है, ब्लू या ग्रे जो भी है, ये दो बीम है यहाँ पे,
इनको जोड़ने के लिए दो एंगल यूज़ हो रहे हैं, एक टॉप में एक बॉटम में, तो इस पूरे कनेक्शन को बोलते हैं सीटेड कनेक्शन। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, लोडेड कॉलम्स आर सपोर्टेड ऑन कॉलम बेसिस, कॉलम बेसिस ट्रांसमिट द कॉलम लोड टू द कंक्रीट फाउंडेशन, कॉलम लोड इज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया ऑन कंक्रीट, या फिर सारे ऑप्शन सही हैं। तो सारे ही ऑप्शन सही हैं जब आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो कॉलम का जो लोड है वो उसके बेस पे आ रहा है, ऐसा ही होता है, उसका बेस हम जनरली बड़ा बनाते हैं थोड़ा, अगर हम 2D में देखें इसको, तो ये इसका बेस हो गया, ये हो गया कॉलम, ये इसका बेस, और इसके नीचे आती है कंक्रीट की फुटिंग। अगर बहुत सारे कॉलम होंगे तो ये सेम फुटिंग यूज़ हो जाएगी सभी कॉलम के लिए, और फिर ये कॉलम फुटिंग उसको नीचे स्प्रेड कर देगी ज़मीन में। ठीक, एक हिसाब से जैसे ऊपर स्लैब है कोई या कोई फ्लोर है, तो इसका जो लोड है वो पहले तो लाइन की फॉर्म में आ रहा है, सेंटर्ड फॉर्म में, पर नीचे फिर स्प्रेड हो जाता है पूरी ज़मीन में। यही तो काम है, होता है कॉलम का, इसीलिए तो कॉलम यूज़ होते हैं। तो सारे ऑप्शन सही लिखे हुए हैं। इफ़ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेक्शन अबाउट इट्स एक्सेस इज आई एंड इट्स इफेक्टिव सेक्शनल एरिया इज ए, इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन, तो आर होता है रूट आई अपॉन ए, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसकी मदद से हम आर मिनिमम कैलकुलेट भी करते हैं कई सवालों में। फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल कंटिन्यूस एट द सपोर्ट एंड अनरिस्ट्रेंड अगेंस्ट टॉर्जन एट द सपोर्ट एंड फ्री एट द एंड, द इफेक्टिव लेंथ एल इज इक्वल टू, तो ये बात कर रहा है इसकी, जैसे पोल होते हैं एक तरफ से फिक्स और एक तरफ से फ्री, तो इस केस में 2L चला जाता है। ठीक है, ये आखिरी वाला केस है जो इसमें 2L होती है इफेक्टिव लेंथ, ये होते हैं इसके पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, तो ये टोटल लेंथ डबल हो जाती है। तो इसमें थ्योरेटिकल भी 2L है, डिज़ाइन भी 2L है। जो सिंपल वाला केस है बोथ हिंज वाला भी, उसमें भी एल एल है दोनों केसेस में, 2L हो जाएगा। इफ़ द 20 mm रिवेट्स आर यूज इन लेसिंग बार्स देन द मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार शुड बी, अब देखिए ये भी कोडल प्रोविजन है कि लेसिंग बार की विड्थ कितनी होनी चाहिए, अगर उसमें इतने डाया का रिवेट लग रहा है या इतने डाया का बोल्ट लग रहा है। तो देखिए ये भी 7.6.2 में मेंशन है, विड्थ ऑफ लेसिंग बार्स इन बोल्टेड और रिवेटेड कंस्ट्रक्शन द मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार्स शैल बी 3 times द नॉमिनल डाया ऑफ द एंड बोल्ट और रिवेट, 3 गुने तक होनी चाहिए कम से कम। तो अगर 20 mm का रिवेट यूज़ हो रहा है तो उसका 3 गुना हो गया 60, तो कम से कम 60 mm विड्थ होनी चाहिए लेसिंग बार की। ए कंप्रेशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ एंगल सेक्शन में बी ए कंटिन्यूस मेंबर डिसकंटिन्यूस विद सिंगल एंगल स्ट्रट और डिसकंटिन्यूस विद डबल एंगल स्ट्रट, अब ये भी सारे ऑप्शन सही हैं। कंटिन्यूस मेंबर और डिसकंटिन्यूस ये दोनों ही पार्ट होते हैं कंप्रेशन मेंबर के, कंटिन्यूस जिसमें जॉइंट्स जो है वो कंटिन्यूसली हैं और डिसकंटिन्यूस में जॉइंट डिसकंटिन्यू हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, और जो ये सिंगल एंगल और डबल एंगल स्ट्रट है ये डिसकंटिन्यूस के पार्ट होते हैं। इनके सब के डायग्राम जो है आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। टैकिंग रिवेट्स इन कंप्रेशन प्लेट्स एक्सपोज टू वेदर हैव ए पिच नॉट एक्सीडिंग 200 mm और, अब ये एक्सपोज टू वेदर वाला है, वैसे तो 32 mm वाला था, 32 टी और 300 mm वाला जो नॉर्मल था टैकिंग रिवेट्स के लिए, पर यहाँ पे एक्सपोज टू वेदर वाला है तो उसमें कौन सा होता है, 16 वाला था और 200 mm था। ठीक है, वही पेज जो मैंने आपको बताया था, ये वाला 16T और 200 mm, विच एवर इज लेसर जब एक्सपोज टू वेदर होगा। कंप्रेशन मेंबर ऑलवेज टेंड टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ द, तो कंप्रेशन मेंबर हमेशा उस डायरेक्शन में बकल करते हैं जहाँ रेडियस ऑफ जायरेशन कम होता है। जैसे ये कॉलम है यहाँ पे आई सेक्शन, अब ये हम देख रहे हैं ये इस डायरेक्शन में बकल कर रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है क्रॉस सेक्शन भी जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पे बना रखा है राइट साइड में, तो अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में बकल कर रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं वाई वाई डायरेक्शन, इसको नाम दे देते हैं जेड जेड डायरेक्शन। वाई वाई में इसलिए बकल कर रहा है क्योंकि इस डायरेक्शन में जो इसका आर है वो कम है, आर मिनिमम लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन जो रूट आई अपॉन ए से निकलता है, तो अब इस डायरेक्शन में आई कम होगा तो इसलिए आर कम आ रहा है, तो इसलिए इसकी जो बकल होने की टेंडेंसी वो इस डायरेक्शन में है वाई वाई डायरेक्शन में। ठीक है, और जेड जेड डायरेक्शन में आर ज़्यादा आ रहा होगा तो ऑब्वियसली उस साइड का कम हो जाएगा। फिर फाइंड द वर्किंग स्ट्रेस ऑफ हॉलो स्टील कॉलम विद लोड ऑफ 3500 kN एंड अल्टीमेट स्ट्रेस इज 540 N पर mm², यूज सेफ्टी फैक्टर एज 5। अब जो लोड दे रखा है उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस पूछ रखी है, अल्टीमेट स्ट्रेस दे रखी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दे रखा है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं जब अल्टीमेट स्ट्रेस को, तो वर्किंग स्ट्रेस ही तो आता है, तो 540 अपॉन 5 कर देंगे, वर्किंग स्ट्रेस आ जाएगा 108। एन इलेक्ट्रिक पोल इज 5 meters हाई एंड इट इज फिक्स टू द ग्राउंड, इट कैरीज ए वायर एट द टॉप एंड फ्री टू मूव साइडवेज ओवर देयर, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पोल इज, सेम केस है पोल का केस है, 5 meters उसकी लेंथ है, ऊपर से फ्री है, वायर लगा है लेकिन फ्री माना जाएगा क्योंकि मूव कर सकता है इधर उधर, तो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी डबल 10 meters। द लेंथ ऑफ द लैप इन ए कंप्रेशन मेंबर इज कैप्ट ग्रेटर देन बार डायामीटर इंटू परमिसिबल स्ट्रेस इन बार डिवाइड बाई 5 times द बॉन्ड स्ट्रेस और डैश। अब देखिए ये भी कोडल प्रोविजन है, ये आपको RCC में बताया था मैंने कि कंप्रेशन मेंबर की जो लैप लेंथ है वो डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होगी इन कंप्रेशन, और कम 24.5 से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ये बीच में लिखा हुआ है बार डायामीटर परमिसिबल स्ट्रेस 5 times, ये डेवलपमेंट लेंथ का ही तो फॉर्मूला है, बार डायामीटर 5 हो गया, इधर से ये सिग्मा ST हो गया परमिसिबल स्ट्रेस इन बार, और 5 times tau BD, और वैसे 4 होता है ना पर वो टेंशन में होता है, ये 5 हो जाता है कंप्रेशन में, जब हम 4 का
25% और बढ़ा देते हैं तो वो 5 बन जाता है कंप्रेशन में। तो ये डेवलपमेंट लेंथ है, तो लैब लेंथ जो है वो डेवलपमेंट लेंथ के बराबर होनी चाहिए और 24 फाइव से कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आरसीसी में हम पढ़ चुके हैं वैसे, तो ये कॉमन टॉपिक है दोनों का, क्योंकि कंप्रेशन जो चीज़ है जो इसको कॉमन बना रही है। फॉर स्टील कंस्ट्रक्शन वेयर सेकेंडरी इफेक्ट्स आर कंसीडर्ड विदाउट विंड और अर्थक्वेक लोड्स द परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑन द मेंबर ऑफ कनेक्शंस एज स्पेसिफाइड मे बी एक्सीडेड बाय। तो ये भी कोडल प्रोविजन है कि 33 1/3 इतना परसेंट बढ़ा दिया जाना चाहिए, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है 33.33%। ए स्ट्रट इज ए, तो स्ट्रट क्या होता है, एक कंप्रेशन मेंबर होता है, ऑप्शन बी। द मिनिमम रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ एलिमेंट्स इन कंप्रेशन इन टर्म्स ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग लेंथ हैज बीन स्पेसिफाइड टू प्रिवेंट। क्या प्रिवेंट करने के लिए, इसका सही आंसर है लोकल बकलिंग। अब देखिए कॉलम बकल ना करे उसके लिए हम ये मेक श्योर करते हैं कि उसका जो विड्थ टू थिकनेस रेशियो है वो कम से कम एक नंबर हो वहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ बहुत कम दे दी दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा दे दी तो बकल कर जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिख भी रखा है, प्लेट एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सेक्शन में बकल लोकली ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। द लोकल बकलिंग कैन बी अवॉइडेड बिफोर द लिमिट स्टेट इज अचीव्ड बाय लिमिटिंग द विड्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, जो मैंने अभी कहा यहाँ पे उनके बीच एक रेशियो बिठा देते हैं। कॉलम स्प्लाइसेस आर अज्यूम्ड टू बी, कॉलम स्प्लाइसेस जो लगाए जाते हैं उनको हम शॉर्ट कॉलम्स की तरह कंसीडर करते हैं। द कंप्रेशन फ्लैंज शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम, कंप्रेशन फ्लैंज ये बकल नहीं होना चाहिए, इसको बकलिंग से प्रिवेंट करते हैं। उसके लिए ये जरूरी है कि कंप्रेसिव लोड एक्सियल लोड से कम हो। मतलब ये है कि एक्सियल लोड तो ये है जो एक्सिस पे आ रहा है, पर कंप्रेसिव लोड हर वो लोड है जो कॉलम पे आ रहा है कंप्रेशन के तौर पे, तो वो सेंट्रिक भी हो सकता है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा तो बकल करेगा। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको बकलिंग से बचा पाएंगे। बैटन्स इन द बिल्ट अप स्टील कॉलम्स आर डिजाइन टू रजिस्ट। तो बैटन्स का मैंने आपको बताया था कि इनको हम बेंडिंग मोमेंट का भी 2.5% लेते हैं और शेयर फोर्स का भी 2.5% लेते हैं। एक्सियल फोर्स वाला केस लेसिंग में आता है, ठीक है, जो शुरू में बताया था। तो ऑप्शन डी होगा इसका, बोथ ऑप्शन ए एंड बी। द मैक्सिमम अलाउएबल स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मेंबर्स कैरिंग कंप्रेसिव लोड ड्यू टू विंड एंड सेस्मिक फोर्सेज ऑनली इज। तो अगेन वही टेबल, अब इसमें विंड और सेस्मिक फोर्सेज वाला जो है वो है थर्ड वाले पॉइंट में। ठीक है, ये टेबल आप देख सकते हैं, आप कोड से भी देख सकते हैं, आपके पास होगा, अगर नहीं तो PDF तो हो ही जाती है। 250 होगा इसका सही आंसर। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग फ्लैट्स इज लिमिटेड टू 145 होता है, ये भी कोडल प्रोविजन है, आप देख सकते हैं, शैल नॉट एक्सीड 145। इन सिंगल लेस्ड कॉलम कंस्ट्रक्शन द थिकनेस ऑफ द फ्लैट लेसिंग बार्स शैल नॉट बी लेस देन। तो 160th था डबल में, 140th होगा सिंगल वाले में। वही है बिटवीन इनर एंड रिवेट्स जो है वही है इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, उस वर्डिंग चेंज कर रखी है। द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेस्ड कॉलम्स कंपेयर टू एक्चुअल मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो शैल बी कंसिडर्ड एज। तो लेस्ड कॉलम में कितना लेते हैं, 5% बढ़ाते हैं, अगेन कोडल प्रोविजन। द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेस्ड कॉलम्स सेल बी टेकन एज 1.05 टाइम्स द एक्चुअल मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर शेयर डिफॉर्मेशन इफेक्ट्स। यानी रीजन भी दे दिया, हो सकता है आपसे किसी सवाल में रीजन पूछ ले किस वजह से क्यों करते हैं ऐसा। अब ये जो 1.05 है ये 5% इंक्रीमेंट ही तो है, तो परसेंट के उसमें भी पूछा जा सकता है आपसे। ए स्टील कॉलम इन अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ 125 न्यूटन, इट इज बिल्ट ऑफ 2 ISMC 350 चैनल्स कनेक्टेड बाय लेसिंग, द लेसिंग कैरीज ए लोड ऑफ। तो कौन से चैनल हैं क्या है इसे कोई मतलब नहीं है, एक्सियल लोड आ रहा है 125 का, इसका 2.5% निकाल दो आंसर आ जाएगा 3 point something आ रहा है इस तरह से। ठीक है, ट्रांसवर्स के लिए डिजाइन करना है तो उसका 2.5% निकालेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्रेशन मेंबर, टाई एक टेंशन मेंबर होता है, हम पहले देख चुके हैं। मिनिमम नंबर ऑफ बैटन्स रिक्वायर्ड इन ए बैटन कॉलम इज, कम से कम 4 बैटन लगे होने चाहिए। ये एक फोटो था यहाँ पे, ये देखिए जैसे यहाँ पे 2 दिख रहे हैं ना, ऐसे कम से कम 4 होने चाहिए, कैसा भी स्ट्रक्चर हो कम से कम 4 होने ही होने चाहिए मिनिमम। इन कॉलम्स लैप लेंथ इज कैप्ट एज, तो कॉलम्स में जो लैप लेंथ है वो डेवलपमेंट लेंथ के बराबर ही तो रखी जाती है, हाँ बस शर्त यह है कि 24 फाइव से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्रेटर बोल देंगे, बोलेंगे इक्वल ही, इक्वल होनी चाहिए डेवलपमेंट लेंथ के। वट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ फॉर ए कॉलम हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड एट द अदर एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजिशन। अब देखिए ये आप कोड में टेबल देखेंगे जब, तो उसमें ये पूरा मैंशन कर रखा है कि दोनों एंड पे अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, दोनों एंड पे किस चीज़ में फ्री है किस चीज़ में रिस्ट्रेंट है। ठीक है, ये वाला जो पर्टिकुलर केस है ये 1.2L वाला है, जो भी ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आप ये वाली टेबल एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा 1.2 वाला। बाकी जो 4 जनरली केस जो होते हैं कॉमन वाले हैं जो, वो वाला नहीं है, ये उनसे हटके हैं। 4 कौन से, वही वाले, एक में L, एक में जो फोटो मैंने आपको कई बार दिखाई, पहला L था, आखिरी 2L था, बीच में एक 65 है और एक 80 है। ये कौन से वाले हैं, ये डिज़ाइन वाले हैं। ठीक है, ये हो गए। द बेस्ट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड यूनिफाइड बिहेवियर इन बिल्ट अप स्टील कॉलम इज बाय। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली लेसिंग और बैटन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से बेटर कौन है। लेसिंग जो है वो ज़्यादा बेटर माना जाता है बैटनिंग से।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्रेशन मेंबर, तो बूम एक कंप्रेशन मेंबर होता है, बी हो जाएगा। ये सारे रूफ ट्रसेस में लगते हैं तो वहाँ पे क्लियर होंगे जब उसकी फोटो आप देखेंगे। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द लेसिंग बार विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड प्रेफरेबली बी बिटवीन, तो 40-70 होता है ये भी, ये भी अगेन कोडल प्रोविजन है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, लेसिंग बार्स वेदर इन डबल और सिंगल सिस्टम्स शैल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल नॉट लेस देन 40 नॉर मोर देन 70 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द बिल्टअप मेंबर। एक्सिस भी डिफाइन कर रखी है, ये जैसे लेसिंग लगी हुई है, तो ये जैसे दो लेसिंग लगी हुई है यहाँ पे, ये ठीक है, तो ये एंगल ये 40-70 होना चाहिए, ये वाला इसके एक्सिस के, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के रेस्पेक्ट में। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटर्न कॉलम इज इंक्रीज बाय 10% बढ़ाते हैं, जैसे उसमें 5% था लेसिंग में, बैटन में 10% है। द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ बैटन कॉलम सेल बी टेकन एज 1.1 टाइम्स। यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो लिखा हुआ है, पर बात तो वही है, स्लेंडरनेस रेशियो बनता किससे, इफेक्टिव लेंथ से ही तो बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एज पर आईएस कोड द मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स इन कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ ए बिल्ट अप बीम इज, अभी सेम क्वेश्चन है, मैं आपको करा चुका हूँ, 12T वाला, 12T एंड 200mm वाला। अकॉर्डिंग टू आईएस 800 द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द ब्रेसिंग मेंबर्स सेल बी लिमिटेड टू, अब ये ब्रेसिंग मेंबर्स हैं, ये लेसिंग और बैटन से हटके हैं, तो इसका कोड अलग ही है, सॉरी कोड अलग नहीं है, ये अलग ही जगह पे दिखेगा आपको। ब्रेसिंग मेंबर्स के लिए स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो है 120 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 12.7.2.1 में लिखा हुआ है, 120 कोड उसी में, उसी कोड में है, आईएस 800 2007 में। द बकलिंग लोड इन अ स्टील कॉलम इज, बकलिंग लोड स्लेंडरनेस रेशियो के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा भाई, स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा होने का मतलब है कॉलम लंबा है, उसकी लेंथ ज़्यादा है, अब लेंथ ज़्यादा होगी तो बकल करेगा, अब छोटा सा कॉलम है, पेडेस्टल है, तो वो कहाँ बकल कर जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर है, ये 300 है, तो ये बकल नहीं करेगा, तो इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो स्लेंडरनेस रेशियो के। लेसिंग्स आर सब्जेक्टेड टू, लेसिंग्स में तो सिर्फ एक्सियल लोडिंग होती है, जबकि बैटन्स में मोमेंट भी आता है शेयर की वजह से। इफ़ 18mm रिवेट्स आर यूज इन लेसिंग बार्स देन मिनिमम विथ ऑफ लेसिंग बार्स शुड बी, अब ये मैंने आपको कोड बताया था कि रिवेट हो या बोल्ट हो जो उनका नॉमिनल डाया है उसका कम से कम 3 गुना होना चाहिए, क्या विड्थ ऑफ लेसिंग बार, तो 54 आ रहा है यहाँ से ना, कम से कम 54mm होना चाहिए, तो 55 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जो नियरेस्ट ऑप्शन है। ऑलराइट, ये थे 52 MCQs, अगर आपको